आदाब नाज़रीन, टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। हज़रत सैयद रहमतुल्लाह शाह कादरी उर्फ जीते पीर रहमतुल्लाह लेगा उर्फ शरीफ 2 जुलाई को बाजपल्ली से लेके गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ तक आया और 3 तारीख जुलाई चिरागा, 4 तारीख को मीना बाज़ार है, शव्वाल के 17 को संदल शरीफ है, 18 को चिरागा है और शव्वाल के 19 को मीना बाज़ार है और यहाँ पे पूरा इंतज़ाम भी हो चुका है और पोस्टर भी रिलीज़ करे हैं दरगाह शरीफ के, उर्फ शरीफ के। आवाम की तला क्या दे रहे हैं बताइए? आवाम यहाँ 50,000 आवाम को आने के लिए बस का भी इंतज़ाम कर चुके हैं। कहाँ से पब्लिक आती है? बसा कहाँ से रखे आप? सिकंदराबाद से दरगाह तक और वहाँ से बालनगर से और कुगटपल्ली मियाँपुर से इधर जी डी मटला डिपो से। कौन आ रहे खुशी से मेहमान? खुशी से मेहमान MLC राजू साहब और MLA विवेक साहब और ex MLC कासानी ज्ञानेश्वर साहब और सरपंच इधर बाज गाँव के सरपंच सब आ रहे। मेरा नाम सैयद अकबर है, दरगाह कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सालाना उर्स सरहदरत सैयद रहमतुल्लाह शाह साहब आदमी से जीते की रहमतुल्लाह अलैह सरकार का सालाना उर्स है। ये जुलाई की 2 तारीख यानी के 17 शव्वाल, 3 तारीख यानी के 18 शव्वाल यानी के 4 जुलाई, 19 शव्वाल यानी के 17 शव्वाल को पीर का दिन सरकार का संदल मुबारक है और 18 शव्वाल यानी कि महीने की 3 तारीख यानी कि चिरागा है। यहाँ से कई जगह से आते हैं यानी कि अपना स्टेट छोड़ के अगला स्टेट यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी कि गुजरात, ऐसे कई स्टेट से लोग तकरीबन सरकार के मुरीदैन सरकार को चाहने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। सालाना उर्स है, हर इस उर्स में खुसूसन दरगाह की कमेटी के जानिब से हर एक इंतज़ाम आने के लिए आवाम के लिए पब्लिक के लिए सहूलत, पानी का हो या बसेस का हो यानी कि रहने के लिए हो यहाँ पर यानी कि खाने का इंतज़ाम, हर एक चीज़ का इंतज़ाम कमेटी के जानिब से हो रहा और बाकी के बहुत सारे काम आते हैं। रहने के लिए और खाने के लिए क्या बंदोबस्त करें आप आवाम के लिए? रहने के लिए सिर्फ खाने के लिए संदल के दिन का है, खाना दाल चावल खाना रखते हैं, आम खास दावत है और उसूल शरीफ के लिए आम खास दावत रहती है, 2 दिन रखते हैं कमेटी के जानिब से और आवाम के लिए पानी का सहूलत है, रहने के लिए सुने अगर बारिश करे तो बाजू में बिल्डिंग वगैरह है XMLC ज्ञानेश्वर साहब के, उनके पास जाके हम सर ऐसे कुछ तकलीफ़ है तो आगे आप लोग रह सकते हैं, गेटा वगैरह चाबिया वगैरह हमारे हेल्पर कर दिए वो भी इंतज़ाम कर सकते हैं। लाइटिंग का बासपल्ली से होकर जब दरगाह था लाइटिंग का इंतज़ाम संदल कमेटी दरगाह कमेटी की जानब से संदल होता सैयद फारूक अली साहब। नाज़रीन, ये थे आज के खबरें और तेलुगु उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के साथ साथ आप देखते रहे एंटरटेनमेंट शो पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और आवाम के मसाइल के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इस चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉग इन हो सकते हैं लाइव में www.tv11live.com और यूट्यूब पर जाकर TV11 न्यूज एंटर करिए और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए। तो नाज़रीन, मैं हूं सैयद हबीब, अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।